अलग है, यही कई सारी चीजें मिल जाएगी खाने के लिए। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक ट्रैवल व्लॉग शेयर करना चाह रही हूँ आप लोग से। सो ये एक छोटा सा ट्रैवल व्लॉग है, हम लोग की सिटी में ही, जस्ट थोड़ा सा आउटर जाके जो छोटे छोटे टाउन बने हुए रहते हैं ना, टाउनशिप रहती है छोटी छोटी, आप गांव भी बोल सकते हैं, तो आसपास थोड़ा सा छोटा छोटा गांव रहता है ना, तो वहाँ पे एक ये मंदिर बनी हुई है बहुत सुंदर। ये है कौशल्या माता, राम जी की माता है कौशल्या जी, तो उनकी मंदिर बनी हुई है। एंड आई गेस ये पूरे इंडिया में इकलौती मंदिर है, लाइक पूरे इंडिया में सिर्फ ये एक ही जगह मंदिर है कौशल्या देवी जी की। सो बहुत अच्छी खासी मानता है इसकी। एंड ये देखिए राम जी की बड़ी सारी मूर्ति है, तो हम लोग भी फर्स्ट बार गए थे, काफ़ी सुंदर बना हुआ है एंड बहुत बड़े एरिया पे फैला हुआ है। देखिए ये है, पहले वहाँ पे गाड़ी पार्क किया हम लोगों ने जैसे कि आपने देखा, एंड उसके बाद यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। एंड ये ब्रिज बना हुआ है एंड उसके दोनों साइड आर्टिफिशियल पॉन्ड है शायद, ये आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लग रहा था आर्टिफिशियल पॉन्ड बने हुए हैं ब्रिज के दोनों साइड। ये तो मेन एंट्री वाला गेट है, देन ये राम जी की मूर्ति है। एंड यहाँ से हम लोगों ने एंटर किया, देखिए काफ़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग आ रखे थे, लाइक पिकनिक के हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये जगह। तो देखिए ये ब्रिज है एंड दोनों साइड पॉन्ड है और यहाँ पे बीच में मूर्ति भी बनी हुई है, दिखाऊंगी मैं आगे अच्छे से। तो बस इस ब्रिज को पार करके दूसरे साइड जाना है, तो एंड वहाँ कौशल्या माता जी की मंदिर बनी हुई है राम जी को अपनी गोदी में लिए हुए। मैं आगे मूर्ति भी दिखाऊंगी आपको, वहाँ पे पिक्चर्स लेना एंड फोटोग्राफी वगैरह बिल्कुल भी लाइक मना नहीं था, इसलिए मैंने पिक्चर्स ले लिए। नहीं तो कई जगह पे ऐसे रहता है ना कि पिक्चर्स शेयर नहीं कर सकते, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन रहती है, बट वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने पिक्चर्स एंड वीडियोज़ ले लिए। और ये बच्चे दिख रहे हैं चीनी चीकू एंड मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी जिया, तो बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। काफ़ी दिन से चीनी बोल रही थी जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसका फ्रेंड रहता है, एक्चुअली चीनी की फ्रेंड है, तो उसकी मम्मी वहीं पे रहती है, तो वो पिक्चर्स डालती रहती है कई बार मंदिर की, तो चीनी की काफ़ी इच्छा थी मंदिर जाने की, तो बस गए फाइनली हम लोग। अचानक से ही प्लान हुआ, अचानक से ही सडन प्लान हुआ जाने का, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था। सो देखा अपने चीकू कैसे मूर्तियों को जा जाके झांक झांक कर देख रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड मैंने पहले भी बता रखा है कि चीकू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो रहते हैं ना, उनको लेके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है उसके पास, लाइक उसको सब पता है किसके माता कौन थी, किसके पिताजी कौन थे, किसका पुत्र कौन था, उसको सब पता है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था वो। एंड देखिए ये पॉन्ड में थोड़े बहुत गंदगी भी थी साइड साइड, बट काफ़ी अच्छा था वैसे, क्लीन था वाटर, इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। एंड दोनों साइड पॉन्ड के स्टैचूज बने हुए थे। सो जैसे आपने देखा, हम लोग आए हैं घूमने और हम लोग आए हैं कौशल्या देवी मंदिर। देखो मस्त पॉन्ड बना हुआ है, थोड़ा सा कचड़ा है यहाँ पे, बट काफी अच्छा लग रहा है। कोई भी नया ग्रुप बना के कभी भी कभी भी ऐड कर, एक नया फीचर
वो हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर किसी को फ्लैश मैच देना चाहूँगा वो देखेगा तुरंत डिलीट हो जाएगा। श्री कहाँ आए हो? कौशल्या देवी मंदिर माता है। चल चल सीट मेरे को लगा था ये जो दिख रहे हैं सामने ये राम भगवान जी की बड़ी सारी मूर्ति है। देखो इतनी बड़ी मूर्ति कितनी होगी ये अबाउट 40 to 50 feet तो होगी। मस्त लग रही है एंड ये बहुत अच्छा जगह लग रहा है लाइक एकदम मस्त। ये बच्चे यहाँ पे हैं देखो छोटे 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 चीनी चीकू एंड जिया। जिया कौन है ये मैं बता दूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी ननद उनकी बेटी। हेलो मैं बहुत गंदी गंदी लग रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं सो के उठी हूँ, बट नाश्ता वाश्ता सब हो गया है। मैं नहा ली थी पहले ही 7:30 के अराउंड एंड नाश्ता वाश्ता बना के खा के सब हो गया, बच्चे स्कूल भी चले गए एंड मुझे लाइक ये मैं फिल्म नहीं करने वाली थी ये वाला क्लिप, बट मैंने सोचा या मुझे याद आया कि मैंने ट्रैवल व्लॉग एक शुरू कर रखा है एंड उसको तो मैंने एंड किया ही नहीं, तो फिर बस उसको एंड करने के लिए एक छोटी सी क्लिप ले रही हूँ मैं। तो जैसे कि आपने शुरू में देखा हम लोग गए थे कौशल्या मंदिर घूमने के लिए, लाइक हम लोग के सिटी में ही थोड़ा सा आगे लाइक 10 minutes बस आगे जाने से ही आ जाता है, और चीनी की जो स्कूल है ना उसके जस्ट 5 minutes आगे ही है वो, तो बस यही है। और काफ़ी पहले से वो मंदिर बट हम लोग को पता नहीं था उसके बारे में एंड रिनोवेट हुआ है वो थोड़ा सा, काफ़ी लाइक वो अच्छे से टूरिस्ट स्पॉट की तरह उसके डेवलप कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम लोग को पता चल रहा है। और बस हम लोग सोचे भाई देख कर आते हैं एंड काफ़ी अच्छी जगह थी जैसे कि आगे आपने देखा क्लिप में, बहुत अच्छी जगह थी, काफ़ी सुंदर बना हुआ है एंड ओपन स्पेस था काफ़ी बड़ा, बहुत सुंदर पॉन्ड था और बहुत शांति थी, लोगों की बहुत चहल पहल थी, बहुत ज़्यादा भीड़ तो थी ही बट शांति भी लग रही थी बहुत, क्योंकि पानी के आसपास वाली एरिया में जाओ ना तो बहुत रिलैक्स फील होता है ना, तो बस वैसे ही फील हो रहा था एंड मंदिर है फिर तो मंदिर में जाओ तो वैसे ही बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, तो बस वही। और उसके बाद दर्शन किए हम लोग अच्छे से पूरे घूमे जगह में एंड उसके बाद वहाँ पे काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे चाट के गुपचुप के एंड चाउमीन और भेल वगैरह भजिया मिर्ची भजिया, तो बस सबका पेट तो फुल था, लंच कर कर ही गए थे हम लोग अराउंड 4 PM गए थे तो 3 बजे तो सबको लंच कर लिए थे, बट अब गए हैं घूमने तो देखकर कुछ खाने की इच्छा होती है ना तो बस वही सबको ही खाए और लाइक बहुत ज़्यादा नहीं खाए, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के हिसाब से खाए एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 2 hours में घर आ गए। और आने के बाद बस वही आने के बाद थोड़ा सा देर था मेरे पास टाइम, थोड़ा देर टाइम था मेरे पास एंड उसके बाद बस डिनर प्रिपेयर किया, यही सब जो नॉर्मल रूटीन रहती है। तो वो व्लॉग मैंने शुरू किया था ट्रैवल व्लॉग तो फिर मैंने सोचा उसे एंड कर देते हैं, इसलिए ये नेक्स्ट डे का है, ये नेक्स्ट डे मैं अभी शूट कर रही हूँ क्योंकि उस दिन तो फिर टाइम नहीं मिला मुझे उसे एंड करने का। और बस सोचा आज जा रहे हैं कहीं पर घूमने के लिए तो व्लॉग शूट कर लेते हैं, ऐसा सोचा मैंने क्योंकि काफ़ी दिन हो गए अभी व्लॉग नहीं डाल रही थी। और बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आप ये मंदिर अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, अगर आप हम लोग जहाँ रहते हैं सेम स्टेट में रहते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा, बट मैं क्लियरली बता नहीं सकती कि कहाँ रहते हैं हम लोग, तो बस वही है। ये एक छोटा सा ट्रैवल व्लॉग था, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।